आज बांसडी विधानसभा से प्रभारी के रूप में जो इधर जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं और अरसे तक इन्होंने इधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में रह करके प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे पद को संभालने का काम किया। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नीचे में आस्था रखी, माने बहन जी की नीचे में आस्था रखते हुए इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ करके आज अपने तमाम समर्थकों के साथ लगभग मैं समझ रहा हूँ इस प्रदेश और इस जनपद के सभी पदाधिकारी जो भारतीय सूर्योदय समाज पार्टी में रहे वो सबके सब आज बहन कुमारी महाराज जी की नियुक्ति में आस्था रखते हुए सबने आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और माने बहन जी निर्देश भी रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बांसडी विधानसभा से आदरणीय मानकी राजभर जी हैं जिनको माने बहन जी के आदेश को इधर प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया। अखिलेश यादव जी ओपका फाइबरी के साथ राजभर को करने का दम भर रहे हैं, क्या इनको देखते हैं मालती राजभर जी को यहाँ पे चुना गया? मालती राजभर जी अपने आप में लीडर हैं, मानती राजभर जी अपने आप में लीडर हैं, सदस्य जिला पंचायत भी रही हैं, अपनी पहचान है और बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, रख रही हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है क्योंकि जो नीतियां हैं बीएसपी की देश में सामाजिक परिवर्तन की उसमें भरपूर इनकी आस्था है और इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो मैं समझ रहा हूँ कि इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कब कहाँ कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मानकी राजभर जी ने माने बहन जी के नीतियों में विश्वास रखा है, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास रखा है और आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है, मैं इनकी भी घोषणा आज कर लिया। जहाँ तक ऊपर का राजभर जी पूर्वांचल में अपना राजभर के बंधन में लगे हुए हैं, वही क्या अगर मानती राजभर जी अगर भाजपा ज्वाइन करेंगे तो इसका कितना फर्क कितना असर पड़ेगा सबका गठबंधन? मैं समझ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी में राजभर समाज चाहे कुछ पूरा हमारा पिछड़ा समाज जिसको साहब कांसीराम जी ने तैयार किया है पूरा का पूरा समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और अगर मैं बता दूं तो हमारी मानकी राजभर जी हैं, इनको यहाँ से टिकट मिला है, बगल में मऊ जनपद में जाएंगे आपको हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के भीम राजभर जी हैं, आप गाजीपुर में जाओगे हमारे हमें वहां पर हमारे पुजारत राजभर जी हैं, जहूराबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस में जाएंगे तो रेखा राजभर जी है उत्तरी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इधर हमारा अम्बेडकर नगर पूरी लंबी फहरिस्त माने बहन जी ने लगभग हर जगह मैं समझ रहा हूँ पूरे बहुजन समाज को सम्मान दिया, राजभर समाज को सम्मान दिया, इनके साथ साथ सर्व समाज को माने बहन जी सम्मानित तरीके से हिस्सेदारी देने का काम किया है। हम लोग पूरी मकसद से लगे, पूरी ईमानदारी से लगे, हमारा पूरा वर्कर लगा है, मैं तो समझ लूँ कि पूरे प्रदेश के कोने कोने से आवाज आ रही है, जिस तरह से बहन जी ने चार बार शासन चलाया प्रदेश का आवाम आज बहन जी के शासन को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार यूपी में जब से चुनाव के ऐलान हुआ है लेकिन थोक के भाव में नेताओं का दल बदल शुरू हो चुका है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? चुनाव का समय है, तमाम ऐसे लोग हैं जो दल बदल करते हैं, पहले भी हुआ अब भी हो रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो लोग जा रहे हैं उनके साथ वही जा रहे हैं, कहीं उनके साथ उनका समाज नहीं जा रहा, तो समाज के ठेकेदार नहीं। बांसडी विधानसभा की बात करें तो नेता वर्तमान विधायक और नेता प्रदेश रामकृष्ण चौधरी का कहना है कि प्रदेश में साइकिल और कमल की लड़ाई है और कोई इनके सामने दो ही आमने सामने तीसरा कोई नहीं, कहाँ तक सही क्या मानते हैं आपकी नेता प्रतिपक्ष की बातें कहाँ तक सही? आप मीडिया के साथी हैं, ये तो पूरे प्रदेश में चाहे बीजेपी हो समाजवादी पार्टी से लड़ाई बताती है, समाजवादी के लोग हैं बीजेपी से लड़ाई बताते हैं, लेकिन फैक्ट क्या है कि जमीन पर अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी, परिणाम आएगा चौंकाने वाला होगा, जिस तरह से हम लोगों ने 2007 में वोट बैंक की सरकार बनाई थी मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली 22 में जब परिणाम आएगा तो चौंकाने वाले परिणाम होगा, अब की बार पूरा का पूरा परिणाम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ गया, बहन जी अब की बार पांचवी बार प्रदेश मुख्यमंत्री बनेगी। देखा जाता है कि स्वामी प्रसाद
और या जब बीएसपी में थे उसके बाद बीजेपी में गए और फिर अब सपा में, लेकिन उनका कहना है कि मैं जिस पार्टी को छोड़ता हूँ वो खत्म हो जाती है। लेकिन अभी बीते जब उन्होंने सपा ज्वाइन किया और बीएसपी पे तमाम उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि मैंने बीएसपी को छोड़ा, आज देख लीजिए कि बीएसपी क्या, और तमाम तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। आप किस रूप में देखते हैं उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य को? उनका अपना ख्याल होगा, उनकी पहचान भी अगर मैं समझ रहा हूँ कहीं से हुई बहुजन समाज पार्टी से ही हुई। जैसे कि आप यहाँ से अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि आपके आज आपके दरवाजे पे किस प्रकार की बैठक की गई है और आपका बहुजन पार्टी की तरफ से कौन सा दायित्व दिया गया, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं मानती राजभर भारतीय समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी अच्छा थी और पार्टी इन्वॉल्व होने के कारण पार्टी को छोड़ना पड़ा हमें और यहाँ पर मुझे नया प्रत्याशी घोषित किया गया है बाड़ी विधानसभा से, इसी नाते बैठक पार्टी काफी कटावर नेता थी आपका, काफी जनसैलाब भी आपके साथ था और जनता में आपकी काफी पकड़ थी, क्या कारण रहा कि आपने पार्टी छोड़कर और भाजपा ज्वाइन किया? ऐसा है कि जब हम लोग प्रदेश के नेता दो तीन, हम अर्चना विश्वकर्मा जी हैं और नीलम राजभर जी, मैं महिला जब सम्मेलन होता था उस समय प्रदेश के नेताओं का मतलब जहाँ भी महिला सम्मेलन होता था हम लोग पर हम लोग वक्ता थे, इसके बाद भी हम लोग का फोटो और नाम नहीं बने पोस्टर पर आता था और पार्टी में इन्वॉल्व होने के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। जैसे कि 25 तारीख को यहीं पर कार्यक्रम लगा था, 25 तारीख को लगा था हमारा पूरा 10-15 दिन हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा का रैली था सपा और भाजपा की, उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया, उसके बाद हम लोगों को मन से बोलने नहीं दिया गया, नाम बोला गया, इस नाते पार्टी को छोड़ना पड़ा। तो एक तरफ जहाँ सारी पार्टियां कह रही हैं कि महिला भी पुरुष प्रत्याशियों से कम नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी पार्टी में जब थी तो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था? पार्टी को शीर्ष नेताओं के द्वारा मतलब भेदभाव हो रहा था, उनको लग रहा था कि हमेशा हमको दबाया गया था कि हो सकता है यही हमसे ही डर था कि ये विधानसभा का चुनाव यही लड़ने लायक है, यही लड़ जाए, इसी ना तो हमको वोट किया गया। अब तो बाढ़ से विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, जहाँ एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं गॉड फादर हूँ राजभर बिरादरी का, जहाँ मैं जाऊँगा मेरे पीछे सब लोग चलेंगे राजभर बिरादरी, और एक तरफ जहाँ अपने सुरेंद्र पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थाम गया, कहाँ तक आप कामयाब रहेंगे? गॉड फादर है तो मैं भी तो गॉड फादर हूँ। अभी आपने कहा कि आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है और राजनीति में कोई हिल तो आई नहीं है, क्या मान लिया जाए कि आपको घोषित प्रत्याशी हो गई है? क्या अभी आपने कहा कि आपको प्रत्याशी घोषित किया गया बनिया के लिए, व्यक्ति के लिए तो आई नहीं है मीडिया के सामने, मान लिया जाए कि आप प्रत्याशी हो गए? नहीं आया है हम लोग का, अभी तो यही चैनल चलेगा, मंच से बात की।